लेकिन COVID-19 के कारण से जो डिले हुआ है उसमें हमें ये होता है कि जब हमने बाय द नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक हमने कैलकुलेट करके स्टाफ के लिए एडवर्टीज की है, तो उसमें और ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं, रिटायर हो जाते हैं लोग तो पोस्टें खाली होती जाती हैं, तो इस करके प्रोसेस डिले होता है तो हमें भी दिक्कत आती है। लेकिन कई अनअवॉइडेबल कोते भी ये कोशिश करता हूँ कि जल्द से इसको डिक्लेयर करवाया जाए, तो मैं बिल्कुल आपको इश्योर करता हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द इसको परिणाम को, और हो उसके लिए केवल अभ्यर्थी नहीं, हम भी उसके लिए उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। जी सर, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से अभी तीसरी लहर की आशंका देश प्रदेश में जताई जा रही है, उससे पहले ये परिणाम आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर एक बार दिक्कतें सामने आएंगी।